बाढ़ और भूस्खलन की वजह से त्रिपुरा और असम के बीच सड़क और रेलवे सेवा बाधित होने के बाद पहली बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से बांग्लादेश से एलपीजी की खरीद की है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री मनोज कांति देव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अखौड़ा लैंड पोर्ट से बांग्लादेश के दो एलपीजी बुलेट त्रिपुरा में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि असम के हाफलोंग में बाढ़ भूस्खलन से हुई भारी क्षति से त्रिपुरा और असम के बीच रेलवे संपर्क टूटने के बाद राज्य में अत्यावश्यक सामग्रियों की कमी ना हो, इसके लिए एफसीआई ने इन सामग्रियों की खरीद सड़क मार्ग के जरिए करने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि परिस्थिति के अनुसार बांग्लादेश से अत्यावश्यक सामग्रियां और ईंधन मंगवाया जाएगा। असम अगरतला रोड जो है इसमें भी लैंडस्लाइड का कारण में बंद हुआ था दो चार दिन के लिए, और रेलवे कनेक्शन जे कनेक्टिविटी जेटा हमारे कनेक्टिविटी जो है त्रिपुरा का साथ वो भी बंद है अभी। तो इसमें हम लोग सोच रहे हैं बांग्लादेश का अंदर से सामान आ जाए, गैस पेट्रोल डीजल जो सामान है वो आने लेने का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और कल भी आया बांग्लादेश से दो बुलेट ट्रक, कल भी हमारा अगरतला अखौरा जो चेक पोस्ट है इसमें आया।